हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नो इन्फिनिटी। दोस्तों, आज आप सभी को मैं सेथ रॉलिंस और रैंडी ऑर्टन का अटायर अपडेट देने वाला हूं। तो इसमें आपको रैंडी ऑर्टन का सुपर शोडाउन वाला अटायर मिल जाएगा। उसके अलावा आपको सेथ रॉलिंस का सुपर शोडाउन वाला अटायर तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर समझ लीजिए उसके ट्राउज़र है वो सुपर शोडाउन वाली रहेगी। नीचे का जो मतलब समझ लीजिए पैंट या लोवर जो भी है वो नीचे का सुपर शोडाउन वाला, और जो ऊपर उसने टी शर्ट पहनी हुई है वो रॉ वाली देखने को मिलेगी, जो अभी वो लेटेस्ट रॉ में या फिर स्मैकडाउन में पहनकर आ रहा है आजकल। तो ये वाले दोनों आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलने वाली है। तो अगर आप लोग ये अपने गेम में लाना चाहते हैं तो उस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर अटायर के मतलब ग्राफिक्स की बात करें तो बहुत ही कमाल के लग रहे हैं यहाँ पे ग्राफिक्स। सेथ के अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं ग्राफिक्स। उसके अलावा अब यहाँ पे अगर आप रैंडी ऑर्टन के देखें, उसके अगर आप कपड़ों पे देखें नीचे जो मतलब जितने भी कपड़ों की डिटेल्स है बहुत ही ज़्यादा शार्प है और बहुत सही लग रही है सारी की सारी देखने में। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको करना क्या है इसको अपने गेम में लाने के लिए। डिस्क्रिप्शन में चले आइएगा, वहाँ पर लिंक है, वहाँ से जाकर के इसकी एक फ़ाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लेने के बाद आप उसे सीधा एक्सट्रैक्ट कर दिएगा, बिना किसी पासवर्ड के वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद आपको एक PHP फोल्डर मिलेगा, उसको जा करके जितना जैसे कि सारी फाइल्स का प्रोसेस होता है वैसे इसमें भी है कि ओल्ड PHP फोल्डर की जगह पे पेस्ट करिएगा, अप्लाई टू ऑल फाइल्स वाले ऑप्शन पर टिक कर दिएगा और उसके बाद रिप्लेस कर दिएगा। बस इतना सा काम करना है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग हो सकता है बहुत बार ये सारी चीज़ें कर चुके हैं, और मैं आप लोगों का काम आसान करने के लिए सारे फोल्डर्स के अंदर जो फोल्डर बनते हैं वो पहले से ही बना देता हूँ, जिससे कि आप लोगों का काम आसान हो जाए। वरना फिर बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे फोल्डर्स के अंदर जा करके फिर आपको फाइल को पेस्ट करना पड़ सकता है। वरना तो मैं आपको टेक्सचर्स फाइल भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा एक तरीके से समझ लिए कम्प्लीट फोल्डर बना करके देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप लोगों को पता है सबसे पहले PHP फोल्डर है, फिर उसके अंदर टेक्सचर्स है, फिर उसके अंदर GNFZ वाला फोल्डर है, उसके अंदर फिर रेसलर्स फोल्डर है, उसके अंदर जा करके फिर आपको सेथ या रैंडी ऑर्टन वाला फोल्डर मिलेगा। तो इसमें बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, इस वजह से मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें करके दे दी। तो अगर आप लोगों को ये बात अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। और उसके अलावा मैं अब थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज कर रहा हूँ। मैं पहले ज़्यादातर तो अभी मतलब पहले अपने चैनल पर SVR के गैलिया वर्जन 1.49 के मॉड्स को अपलोड करता था और DBZ के मॉड्स को, लेकिन अब मैं यहाँ पे एंड्रॉयड की थोड़ी ट्रिक्स भी बता रहा हूँ आपको, बेस्ट ऐप्स, बेस्ट गेम्स, ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं एंड्रॉयड ऐप्स की और एंड्रॉयड गेम्स की, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।